यहाँ पहुँचने के बाद में भाई वो लोग दो मिनट और नहीं रुके कि हाँ मतलब रुक जाएं, फिर साथ ही में निकले मोतीपुर हैं कि मतलब उससे आगे कहीं जाना है क्या गाइस है। कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। तो गाइस आज हम चल रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फोन आया था तो जाना ही पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वही ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो में, शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या आज होता है। और दूसरी बात, घर आए तो सोचा चलो खाना पानी खा के अपना आराम करेंगे, लेकिन क्या करें भाई फोन आ गया तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो बिना देरी के निकलते हैं हम। ओके तो भाई मेरे मौसम बहुत सुहाना है, खूबसूरत है। और कल वाले वीडियो में मैंने बताया था यार कि मैं उसी रास्ते से रोज आता हूँ और वही चीज़ मैं रोज आप लोगों को दिखाता हूँ। बस ये है कि कोशिश में रहता हूँ हमेशा यार कि कहीं नई जगह को विजिट करें, नई जगह पर जाएं, फिर बढ़िया से ब्लॉग आप लोगों को दिखाएं। लेकिन मजबूरी है भाई, कर क्या सकते हैं यार, फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं आपको अच्छा से अच्छा ब्लॉग देता रहूं। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है और उसके बाद में हम पहुंचते हैं सिसवा। जो कुछ होता है उधर वो सारा चीज़ हम दिखाते हैं। ये बच्चे सारे ये देखिए आए, इंसान की भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की परवरिश, बच्चों का देखभाल। और यार जो बंदा अकेला हो, अपने घर का हो, अपने हमेशा काम पे रहता हो, अपने रोजी रोटी के तलाश पे रहता हो, वो घर कैसे देख सकता है। हाँ जिम्मेदारी बीवी की होती है, लेकिन क्या करे, वो भी मतलब बच्चों को कहाँ तक देख पाएगी, कहाँ तक उनके पीछे घूम पाएगी। जब घर से बाहर वो निकल जाते हैं तो कहाँ तक वो ढूंढेगी, ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन अभी मैं घर से निकला हूँ सिसवा के लिए, और उसके बाद में हमारा लड़का जो मतलब सुजला वाला है, उसको मैंने देखा जो बच्चों के साथ में कहीं जा रहा था आम वाम के तलाश में, क्योंकि आजकल बागों में आम मतलब लगे हुए हैं, काफ़ी आम लगे हुए हैं, तो उसी के चक्कर में वो घर से बाहर जा रहा था। आप बताइए ये चीज़ गलत है कि नहीं गलत है। तो देखा तो मैंने उसको डांटा, बोला, भगा दिया वहाँ से। हमने कहा तो सीधे घर चल, अभी मैं फोन करता हूँ, तो सीधे वो घर ही जाएगा, देखा नहीं, क्योंकि इतनी असल तो हमारे बात में रही है। सुबह पहुँचते भाई फटाफट जल्दी से यार। और एक बात बता दें कि यार जब से कार्बेटर वाली आई है, जब से बाइक है, बहुत दिक्कत होती है भाई चलाने में, बहुत दिक्कत होती है। अभी एक बाइक हमारी समझ लीजिए कि एक साल पहले इसका कार्बेटर मैंने चेंज करवाया था, टूट गया था निकालते हुए साफ करवाने के चक्कर में। फिर 5500 रुपया या 6000 रुपया ऐसे लगा था मतलब कार्बेटर का, और वही दिक्कत फिर करने लगा है। अब इसको मुझे लेकर जाना पड़ेगा एजेंसी पे, क्योंकि गाड़ी चलते चलते हमारी बुझ जाती है या कहीं मतलब कैसे लो या कर छोड़ो तब बुझ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा परेशान करती है भाई। करे तो क्या करें यार, पर टाइम मिले तो उसके बाद में हम जाएं एजेंसी पर, इसके बाद में सही करवाएं, क्योंकि चेंज तो करवाना नहीं है, बस निकलवा कर इसको साफ करवा देंगे। तो निकालने में ही सिफत है भाई, अगर सही तरीके से निकल गया तो समझो कि आपका कार्बेटर सही हो जाएगा। अगर कहीं निकालते समय टूट गया तो समझो कि 5500 रुपया या 6000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। ये देखिए हमारे गाँव के अंदर बैठे हैं यहाँ पर नावडी चौराहा, आप देख सकते हैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया यार, 8-10 साल के अंदर अंदर काफ़ी इम्प्रूव कर गया। नहीं तो पहले एक ही दो घर यहाँ पर हुआ करता था, काफ़ी घर हो चुके हैं, पानी का वो लगा हुआ है, सप्लाई बहुत कुछ है यहाँ पर। 20 दिन के बाद में हमारा टिकट है केरला, फिर से एक बार इंतजार करिए थोड़ा सा, वही ब्लॉग आप सबको देखने को मिलेगा बढ़िया, क्योंकि पिछले साल वाली जो वीडियो मैंने शूट किया था, कुछ वीडियो अपलोड हो गया था, कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, घर आने के बाद में सारी वीडियो डिलीट हो गए थे, हमारे लड़के ने कर दिया था, तो बहुत चीज़ें मैंने नहीं दिखा पाई थी। इस बार कोशिश करेंगे कि मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँ। अब यहाँ से जाने के बाद ही मैं मतलब मेरा प्लान होगा केरला पहुँचने के बाद कि हम कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि मुझे जो 2-3 दिन 4 दिन मिलेगा वहाँ पर वही मेरे पास टाइम रहेगा, वही मैं आप सबको मतलब दिखा सकूँगा, क्योंकि तत्काल वापसी टिकट नहीं होती है, हफ्ते में एक ही ट्रेन है तो हफ्ता भर इंतजार ही करना पड़ेगा, उसके बाद में तब फिर ट्रेन मिलेगी मुझे। सोचता हूँ कि मतलब गोवा चले जाएँ वैसे, कि हम हैदराबाद चले आएँ, बस यही कन्फर्म नहीं कर पाता हूँ खुद को, लेकिन जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, फिर देखिएगा आप लोग।
ये जगह आप देख सकते हैं कि ये सेमरा कॉलोनी है और सेमरा चौकी है जंगल विभाग वाला। 15 दिन पहले भाई साहब यहाँ पे आग लगी थी और बहुत बुरी तरीके से आग लगी थी। पूरे इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया था। बस वही लोग हैं जो मतलब खेत को फूंक देते हैं फसल काटने के बाद में। यहाँ पर पीछे जो मतलब लकड़ियाँ थी रखी हुई थी जंगल की, ये देखिए इस तरह से आग लगी हुई थी। बहुत नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था भाई। और इधर पूरा देख लीजिए ये सब, आप समझ सकते हैं कि खेत नहीं फूंकना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, घर द्वार जल जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा सेमरा का चौकी। यहाँ पहुँचने के बाद में भाई वो लोग 2 मिनट और नहीं रुके कि हाँ मतलब रुक जाएं, फिर साथ ही में निकले तो वो लोग मतलब यहाँ से जा चुके हैं। तो चलते सीधे हम भी और बताएं कि मोतीपुर पहुँचे हैं, मोतीपुर हैं कि मतलब उससे आगे कहीं जाना है, क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इधर का भी देख सकते हैं आप, गुद्दुन भाई का होटल वोटल ये सब ये देखिए। चलो फिर चलते चलते यूं ही जाता हूँ मैं, बैठे बैठे जाता हूँ मैं। वाह देख भाई वाह, किस लगा है यार, कसम से भाई देख, देखिए जबरदस्त है ना, पूरे पेड़वा में यहाँ एकदम भरा है, लेकिन एक साइडिया में यहाँ है, एक साइडिया में यहाँ ही ना है। ये देखो जबरदस्त है, ये देख सकते हैं आप। बस इसी को दिखाने के लिए मैं रुक गया था यहाँ पे। बाकी ये देख सकते हैं सेमरी गांव, जहाँ पर हम लोगों की रोज वीडियो शूट होती है। सीधे रोड है ये, कुहार गड्डी के लिए गया है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ये नज़ारा ये भी देख लीजिए, ये खेत चलाने का नतीजा भाई साहब, और वो टांगिया है ये देखिए किस तरह से मतलब जला हुआ है पूरा। तो गलत चीज़ है यार, खेत नहीं फूकना चाहिए भाई, चाहे जिसका भी हो। ये देखिए पूरा एकदम से है ना, ये सब गलत है। अब इतना घना रात रहा भाई ना कि मतलब अगर तू किधर जाए लुकाई जाए तो ढूंढ नहीं पाई, ना जान पाई कि हाँ कोई है। आर पार पूरा देख लो पारदर्शी एकदम से हुआ है या? और इधर वाला पूरा देख लो सेम ऐसे है, बस यही चीज है सब। तो मंजिल पर अपने हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद में चलते हैं अपना काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी होता है वो सारा चीज़ हम बताएंगे आपको कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जहाँ पर दिखाने लायक रहेगा वहाँ पर हम दिखा भी देंगे अपने वीडियो में, नहीं दिखाने लायक रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक हाँ, ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब आज हम बाइक पर ही मतलब अपना पूरा वीडियो खत्म कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वीडियो शूट होने के बाद में भाई लोग इतना जल्दी भागे हैं कि मतलब कोई रुका ही नहीं। स्वयं भी अपना बाइक लेके आया था, वो पहले चला गया, उसके बाद में मैं चला गया मोबिल भाई के पास तो चिकन उकन लेने के लिए, तो उसके पास बचा ही नहीं था। वहाँ से आए, उसके बाद में गुद्दुन भाई के होटल पे चाय पानी पिया, चाय पानी पीने के बाद में अब हम जा रहे हैं घर, और घर पर फोन करके बता दिया कि ठीक है चिकन लेकर आ रहे हैं हम, और कोई जुगाड़ ही नहीं है। देखो घर पहुँचने के बाद में क्या होता है, बाकी घर में थोड़ा सा दिक्कत है यार भाई की, हमारी तबीयत खराब है। और मुझे एक बात याद आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा मुझे वीरपुर, और उसके बाद में वहाँ से फिर हम घर जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है, मोबाइल पहले गिर गया था, बैग बाद में गिरा है, और उसके बाद में मोबाइल में हमारे ग्लास भी नहीं लगा है, अगर गिरता तो टूट जाता, तो इसका स्क्रीन टूटने पर जानते कितना लंबा खर्चा आता, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और साला बुरे वक्त में ही मतलब मुश्किलें आती हैं, अच्छे वक्त में तो आता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, बच गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। वीरपुर गांव वो सामने दिख रहा है, सामने वाला गांव जो है वो वीरपुर है, बाकी मैदान है, खेत खलिहान ये देख सकते हैं चारों तरफ एकदम सन सिड होने वाला है, यानी सूरज बैठने वाला है
चलो फिर निकलते हैं सीधे वीरपुर, काफ़ी लेट हो रहा है मुझे, घर जाने में भी लेट होगा। ये नहर वाला रास्ता है भाई उसके गांव में जाने के लिए। क्या हो गया है छगड़ी, वीरपुर में बड़ी छगड़ी है भैया। कहाँ बेटा, कहाँ घूम उठाओ, एक भी काम साला ना होता सही ढंग से हो जाए। हम तो सोचे कि चली देखी कुछ हाथे आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, सब बेकार है, बेकार है। उससे पहले डॉक्टर साहब से मिल ली रिहान से। सूरज जो है एकदम नीचे पहुंच चुका है, उसी को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने फ़ोन में। ये देखिए, या तो सनराइज देखने में मज़ा आता है या तो फिर सनसेट देखने में मज़ा आता है। ये देखिए किस तरह से सूरज एकदम नीचे जा रहा है, ज़बरदस्त है ना। अचानक मेरी नज़र पड़ गई उस पर, मैंने सोचा कि यार दिखा ही दे किस तरह से दिख रहा है। तो बता सकते हैं कि कैसा लगा ये सीन, क्योंकि सनराइज देखने में देखने का मज़ा ही कुछ और है और सनसेट भी देखने का मज़ा ही कुछ और है। चलो फिर निकलते हैं सीधे घर।